गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम आप सभी का फिर से ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे मैथ की क्लासेस, और जिसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कराया था। ठीक है, तो अब आप सभी जानते ही होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद अब हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर हमारा, मतलब SI। ठीक है, अब देखो, लेकिन ध्यान से सुनो एक बात। सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखाया है उसको भूल जाओ। क्या कहा मैंने? सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखाया है ना, उसको भूल जाओ। अब देखो, कुछ बच्चे तो बड़ा खुश हो रहे होंगे, अच्छा हुआ इसलिए हम पढ़ नहीं रहे थे पहले से। ठीक है, हमें पता था सर ऐसे ही बोलेंगे, है ना? तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा वो तो खुश हो रहे होंगे कि हमें तो कुछ याद ही नहीं था। लेकिन देखो, मैंने इसलिए ये कहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ना क्या होता था कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई होता था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के अंदर ऐसा कोई सीन होता ही नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई होता था, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई भी ट्रिक आपके सिंपल इंटरेस्ट में अप्लाई नहीं होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट की कोई भी ट्रिक आपके सिंपल इंटरेस्ट में अप्लाई नहीं होगी, इसलिए मैंने कहा कि कंपाउंड वाले ट्रिक्स को भूल जाना। अब ऐसा ना हो कि मैं उसी टाइप का आपको एक क्वेश्चन दूं सिंपल इंटरेस्ट में करने को, आप फिर कहोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट में तो हमने ये ट्रिक लगाई थी, यहां क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चलता था, यहां पे वो चीज नहीं चलती है। तो यहां पे ना आपने इस चैप्टर के अंदर तीन ही बातें याद रखनी है, वो तीन बातें मैं आपको स्टार्टिंग में बताने जा रहा हूं, तो वो सुन लो ध्यान से। ठीक है, पहली बात, सिंपल चैप्टर में फर्स्ट बात क्या याद रखना आपने कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो हर साल क्या होता है? सेम होता है। इसको दिमाग में डाल लो, सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है? सेम होता है। दूसरी बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जब भी निकालोगे तो वो सिर्फ किसके ऊपर निकलता है? प्रिंसिपल के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने कहीं अप्लाई भी करना है ना, तो वो भी सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होगा? प्रिंसिपल के ऊपर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड भी करना है तो भी कहां से फाइंड होगा? प्रिंसिपल के ऊपर। देखो, वहां तो हम ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कहीं से भी निकाल लेते, ए से बी के ऊपर आता था, बी से सी के ऊपर आता था, वहां पे हम निकाल लेते। लेकिन यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ लगता किसी के ऊपर है? प्रिंसिपल के ऊपर ही लगता है। तो ये दो बातें दिमाग में डालो। और तीसरी बात, इसका फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो आपके दिलो दिमाग में बसा ही हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अगर कहीं पे हमें इस फॉर्मूले की जरूरत भी पड़ेगी ना, तो हम उसका भी यूज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि ये ना आसान कैलकुलेशन देता है, ये कैलकुलेशंस को टफ नहीं बनाता, कैलकुलेशन को ये आसान ही रखता है। तो इसलिए अगर हमें कहीं पे जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज किया करेंगे। ठीक है, कंपाउंड का जो फॉर्मूला था ना वो टफ होता था, कैलकुलेशन मुश्किल बनाता था, लेकिन ये कैलकुलेशंस को टफ नहीं बनाता, कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए आसान बनाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर अमाउंट कैसे बनता है? अमाउंट कैसे बनता है इसमें? प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो क्या बन जाता है? अमाउंट। प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। तो इतनी ही बातें आपने याद रखनी है और यहीं से हमने चैप्टर स्टार्ट करना है। हाँ जी, पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट भूल गए हो सभी? परमानेंट मत भूल जाना, सिर्फ इस चैप्टर के लिए भूलने को कह रहा हूं, परमानेंट नहीं भूलना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक्स भूल जानी है, वो सिंपल इंटरेस्ट में अप्लाई नहीं होंगे। सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहेगा? सेम। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर निकालोगे? प्रिंसिपल के ऊपर। दिमाग में डाल लो, इसी पे गलती करते हो, और ये फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ पहले बेसिक बेसिक सिंपल इंटरेस्ट की बातें बताता हूँ, फिर उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। चलो यहाँ देखते हैं, जैसे एक सिंपल सी हम बात करते हैं कि अगर मैं लेता हूँ प्रिंसिपल, लिया मैंने 4000, प्रिंसिपल ले रहा मैं 4000, रेट लिया मैंने 20% और टाइम ले रहा हूँ मैं 3 ईयर्स। तो अब हमें देखना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा। देखो, फॉर्मूले की हमें समझने के लिए जरूरत नहीं है, मैंने वैसे ही कह दिया कि वो रख लो, लेकिन हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? जैसे आपको पता है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। अब मुझे बताओ 20% कितना होता है? 20% हमारा कितना होता है? 1/5। 20% कितना होता है? 1/5। तो 4000 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 4000 को 5 से डिवाइड करो, 5 × 40, 800 आ जाएगा। अगर फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट 800 है,
तो सेकंड ईयर में भी कितना होगा 800, और थर्ड ईयर में भी कितना होगा 800। तो टोटल 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया 2400। हाँ जी, तो बस यहीं पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर खत्म हो जाता है, फिनिश हो गया चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पे चलें अब। अरे इतना ही तो है सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल वैल्यू क्या है सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत क्या है यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट में पहले ही सिंपल लिखा हुआ है, मतलब आसान, तो मुश्किल तो आपने सोचना ही नहीं है यहाँ पे। 4000 रुपये प्रिंसिपल है, रेट कितना है 20%, टाइम है 3 ईयर्स, 20% होता है 1/5। 4000 को मैं एक बार 5 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 800। तो अगर फर्स्ट ईयर में 800 है तो सेकंड ईयर भी तो 800 होगा, थर्ड ईयर भी तो 800 होगा, सिंपल इंटरेस्ट सेम, तो टोटल 3 साल में कितना बन गया 2400। तो अगर मैं 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लूंगा फिर तो जितने मर्जी साल हो, तो मुझे पता है हर साल क्या रहना है सेम रहना है। तो बताओ ये बात दिमाग में चली गई कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है सेम। इतना पॉइंट क्लियर है, तो एक पॉइंट और समझते हैं इसमें। चैप्टर अभी खत्म हुआ नहीं है, अभी तो शुरू ही हुआ है चैप्टर, अभी 3-4 दिन चलाएंगे इसको, 3 दिन चलेगा या फिर 4 दिन चलेगा, चलिए देखते हैं। इसमें देखो एक पॉइंट हम और समझते हैं, किसी प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर, हमें प्रिंसिपल पता नहीं है कितना है, ठीक है, किसी प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर 3 साल बाद, 3 साल बाद वैल्यू हो जाती है 5000। कोई प्रिंसिपल वैल्यू 3 साल बाद होती है 5000, और 6 साल बाद कितनी हो जाती है 8000। कोई प्रिंसिपल वैल्यू 3 साल बाद हो जाती है 5000, और 6 ईयर के बाद कितनी हो जाती है 8000। तो आपने प्रिंसिपल भी फाइंड करना है और हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, प्रिंसिपल भी निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, सुनो यहाँ पे, अब देखो 3 साल में है 5000, 6 साल में कितना हो गया 8000, तो आप देखोगे कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला टोटल, 5000 से 8000 हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 3000 मिला। 3 ईयर्स में 5000 था, 6 ईयर्स में 8000 हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट मुझे कितना मिला 3000। कितने साल में, कितने ईयर्स में मिला, 3 ईयर्स में, तो मतलब 1 ईयर में इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 1 ईयर में कितना हो जाता है 1000। तो 1000 आपका 1 ईयर का इंटरेस्ट आ गया, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1000। और हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहेगा सेम। तो अब अगर आपको प्रिंसिपल निकालना है, देखो 3 ईयर्स के बाद 5000 है ना, हर साल आपको 1000 इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहां पे भी तो 1000 1000 और 1000 ही मिला होगा, तो 1000 × 3, तो 3 ईयर्स में कितना मिला होगा 3000। तो ये तो हमें वैसे भी पता चल ही रहा था कि यहां पे अगर 3000 है तो यहां पे भी तो 3000 ही कम करेंगे, तो यहां पे हम सीधा लिख सकते थे कितना 2000। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में जब ऐसा क्वेश्चन था ना, जहां पे 3-3 साल का गैप वाला मैंने आपको करवाया था, तो वहां पे हमें क्या बनानी पड़ती थी, रेशियो बनानी पड़ती थी, लेकिन यहां पे ऐसा कोई सीन नहीं है। यहां बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर यहां 3 साल में आपको 3000 मिला है ना, तो इधर भी तो 3 साल में 3000 ही मिला होगा, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 2000। और अगर सेम नहीं भी होता तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 3 साल में 3000 है तो 1 साल में कितना हो गया 1000, तो चाहे 2 साल पूछा हो 4 साल पूछा हो हम फाइंड कर सकते हैं। तो 3000 हमने इसमें से कम कर देना है, 5000 में से 3000 आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2000 प्रिंसिपल। पहले तो इतनी बात क्लियर होगी सभी को, प्रिंसिपल समझ में आ गया कैसे आएगा। अब हमने निकालना है इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया कि वो हमेशा किसके ऊपर लगता है प्रिंसिपल के ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने क्या बताया वो हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट होता है प्रिंसिपल के ऊपर। तो आपने देखना होता कि ना 1 साल का आपका इंटरेस्ट कितना है, जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है तो आपको देखना होगा आपका 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 1000, 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 1000, और वो रेट किसके ऊपर निकलेगा प्रिंसिपल के ऊपर। तो 1000 जो है वो 2000 का कितना परसेंट है, तो यहां से कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 50%। हां जी बताइए,
ये दो बातें समझ में आई। अभी तक सिर्फ मैं आपको इतना सिखाना चाहता था कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी आपने निकालना है तो किसके ऊपर निकलेगा? प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? 3 साल में 5,000 है, 6 साल में 8,000 है। आपको पता है 3 साल में 3,000 रुपये मिल रहे हैं, तो यहाँ भी तो 3 साल में 3,000 ही मिले होंगे क्योंकि हमेशा सेम रहता है। तो 3,000 कम कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 2,000। हमने यहाँ से 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लिया था कि 3 साल में 3,000 है तो 1 साल में कितना होगा? 1,000। तो 1,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिला आपको, तो 1,000 रुपीज जो मिला है किसके ऊपर मिला होगा? 2,000 के ऊपर। तो रेट कितना आ गया? 50%। तो ये दो बातें समझनी थी कि सिंपल इंटरेस्ट सेम है और रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके ऊपर निकलता है? प्रिंसिपल के ऊपर। क्लियर यहां तक सभी को? यस और नो? हाँ जी। तो अगर ये दो बातें क्लियर हो गई हैं तो फिर अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब हम क्वेश्चंस के थ्रू चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें ना सिंपल इंटरेस्ट में आपको अलग से हमें टाइप्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है और जो एग्जाम में कंसेप्ट ज्यादातर यूज होते हैं ना, वो सारे मैं आपको पढ़ा दूंगा और इंस्टॉलमेंट वाली टाइप एक अलग लेक्चर में आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, पहले हम जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन, जितने भी जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, तो वो सारे हम देख लेंगे। सारे क्वेश्चन के थ्रू हम कंसेप्ट समझते रहेंगे। ठीक है, और फिर इंस्टॉलमेंट वाली टाइप जो है हम अलग से करेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आपने क्वेश्चन को पढ़ के बनाना है। आपको ऐसा लगेगा कि ये कंपाउंड टेस्ट में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, फुल स्टॉप, फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो बनाइए क्या आंसर आएगा, कोशिश करके देखिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मुझे ये भी जानता हूं कि आप इसमें गलती भी करोगे। मिस्टेक तो हमने करनी ही है क्योंकि कुछ बच्चे इसमें कंपाउंड वाला ही तरीका लगा देंगे और वो गलत हो जाएगा फिर। ट्वेंटी फोर आ रहा है क्या किसी का? अगर 24 आ रहा होगा तो वह गलत है। चलिए यहां देखते हैं कैसे करना है। वो कह रहे देखो, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स, कोई प्रिंसिपल वैल्यू, मैं मान लेता हूं 1 रुपया, 1 रुपया हमारे कितने रुपए बन जाते हैं? 8 रुपए। सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स, तो 1 रुपया कितने रुपए बन गए? 8 रुपए। कितने साल में? 3 साल में। 1 रुपया मेरे 8 रुपए बन गए कितने साल में? 3 साल में। तो दैट मीन्स मुझे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट हमें 7 रुपीज मिला होगा ना, इस बात को समझते हो? अगर 1 रुपी आपके 8 रुपीज बन गए तो वो 1 रुपी 8 रुपीज कैसे बन गए? वो पड़े पड़े तो बन नहीं रहे हैं, डबल तो होते नहीं जा रहे हैं। जब आपको उसमें 7 रुपीज क्या मिला होगा? सिंपल इंटरेस्ट, तभी वो बने होंगे। तो मैं यहां पे ये कह दूं कि 7 रुपीज हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है कितने साल में? 3 साल में। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? 1 रुपया हमारे 8 रुपए बन गए 3 साल में, तो 1 रुपया 8 रुपए कैसे बने होंगे जब आपको 7 रुपए क्या मिला होगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो 7 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिलता है आपको 3 साल में। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब वो 1 रुपी को कितना बनाना चाहता है? 64 बनाना चाहता है। तो 1 रुपी को अगर 64 बनाना है तो दैट मीन्स आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना चाहिए होगा? तो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए होगा 63 रुपीज। तो अगर 7 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 3 ईयर्स में, तो 63 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट कितने ईयर में? 7 9 9 का मल्टीपल बन रहा है ना यहाँ पे, तो 3 9 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला मेथड नहीं लगाना, कहीं वो पावर वाला मेथड यूज करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ जी, समझ पाया गया क्वेश्चन को? अच्छा, किस किस बच्चे को समझ में आ गया यस लिखो, और किस किस बच्चे को नहीं समझ में आया नो लिखो। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर ऐसे ही मैंने 2 क्वेश्चन अभी आपको और कराने हैं, फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करना। यहां देखो,
₹1 मेरे 8 रुपए बन गए, ध्यान से सुनना, ₹1 ₹8 बन गए। 8 रुपए कैसे बने? जब आपको ₹7 क्या मिला होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो ₹7 से इंटरेस्ट मिलता है कितने साल में? 3 साल में। तो ₹7 सिंपल इंटरेस्ट मिला 3 साल में। अब हमें ₹1 को 64 टाइम्स बनाना है, तो ₹1 64 टाइम्स कैसे बनेगा? जब आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ₹63। तो ₹7 सिंपल इंटरेस्ट अगर 3 ईयर्स में मिल रहा है, तो ₹63 सिंपल इंटरेस्ट, ये 9 मल्टीपल है, तो यहां भी 9 मल्टीपल कितना हो जाएगा? 27 ईयर। ये वाली मल्टीपल वाली बात सबको समझ में आ रही है ना? अरे पूरा लिख दूं क्या इसको? बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, ₹7 सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 3 ईयर्स में, तो ₹1 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 3/7 में, तो ₹63 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ×63। तो ये कैंसिल करते हैं, तो 9 3 कितना आ जाएगा? 27 ईयर्स। हाँ जी, अब बताइए, सबको क्लियर हो गया? अब क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो आप सबने खुद से बनाना है। अब चलिए बनाइए, अभी इस क्वेश्चन को बनाइए। हाँ जी, इस क्वेश्चन को बनाओ। अब सभी का आंसर मुझे चाहिए। पिछला क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है, तो यहां पे अब सभी का आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं है, बिल्कुल बस वैसा ही है, फिगर्स आपकी चेंज हो गई हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं, फिर सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ, डबल हो जाता है 6 साल में, फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल बी 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो अब बिल्कुल ध्यान से निकालो, आंसर आना चाहिए सभी का, जितने भी बच्चे बैठे सुन रहे हैं, जो ध्यान से सुन रहे हैं, तो उन सभी का आंसर आ जाएगा। बनाओ जरा। हाँ जी भाई, इतना ही टाइम मिलेगा, 15 से 30 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन है ही नहीं अभी ये। हाँ जी, बन गया सभी का। चलो बस देखते हैं अब। इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो ₹1 है ना, डबल मतलब कितने रुपए हो गए? 2 रुपए। ₹1 ₹2 हो गए कितने साल में? 6 साल में। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? सिर्फ ₹1 ही मिला। ₹1 ₹2 बनते हैं 6 साल में, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ ₹1 ही मिला ना। तो मैं यहां पे लिख दूं कि ₹1 सिंपल इंटरेस्ट मिलता है कितने ईयर्स में? 6 ईयर्स में। और हमें 10 टाइम्स बनाना है, तो ₹1 को हमें कितने टाइम्स बनाना है? 10 टाइम्स बनाना है। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको यहां पे कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? ₹9। तो अब मुझे बताओ, 1 ईयर सिंपल, ₹1 सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 6 साल में, तो ₹9 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 6×9, तो आंसर 54 ईयर्स में। हाँ जी, कोई भी दिक्कत अब इसमें? अब तो ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। एक बार और बता रहा हूं, ₹1 हमारे ₹2 बन गए थे, कितने साल में बन गए थे? 6 साल में। चलो 6 साल में कुछ तो बढ़ा, ₹1 तो बढ़ गया दोबारा से, तो ₹1 हमारे ₹2 हो गए 6 साल में, तो सिंपल इंटरेस्ट मिला ₹1। तो ₹1 सिंपल इंटरेस्ट मिला कितने ईयर्स में? 6 ईयर्स में। अब ₹1 को ₹10 बनाना है, तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना चाहिए होगा? ₹9। तो ₹1 अगर सिंपल इंटरेस्ट 6 ईयर में मिलता है, तो ₹9 सिंपल इंटरेस्ट कितने मिलेगा? 6×9 54 ईयर्स में। हाँ जी, क्लियर है सभी को? अब इसी में थोड़ा सा आपको भोकाल क्वेश्चन देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी ज्यादा होंगी, कंसेप्ट आप सभी ने यही वाला लगाना है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होंगी, तो उस क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, अब बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए सभी, ध्यान से सोच समझ के पढ़ के आपने बनाना है, अपने दिमाग का पूरा पूरा इस्तेमाल करना है, ठीक है? तो क्वेश्चन को पढ़िए और बनाइए। इफ ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटर बिकम 11/8 टाइम्स इन 7.5 ईयर्स, देन इन हाउ मच टाइम इट विल बी 19/12 टाइम्स। हाँ जी, चलिए बनाइए अब इसको। 30 to 45 सेकेंड्स यहाँ पे हैं आपके पास बनाने के लिए।
अब देखो जो समझाया है उसका लगाना शुरू कर दो एक बार ही। पर यहां पे हमें कुछ और भी एक्स्ट्रा एक इंफॉर्मेशन सोचनी पड़ेगी, तब जाके आंसर बनेगा। हाँ जी, बना किसी का आंसर? और यहां पे आंसर भी आपने देना है इतने इयर्स एंड इतने मंथ्स, पॉइंट्स में आंसर मत निकालना। आपको आंसर देना है जैसे 8 साल 4 महीने, या 9 साल 2 महीने, या 3 साल 4 महीने, इस तरह से आपको आंसर देना है। इतने इयर्स एंड इतने मंथ्स, ऐसे आंसर निकालना है आपको कि इतने इयर्स लगेंगे और इतने मंथ्स लगेंगे, तो इयर्स और मंथ दोनों में आंसर आएगा। चलिए यहां देखते हैं। देखो कह रहे इफ सम ऑफ मनी एट सिंपल टू बिकम 11/8 टाइम्स, एक बार सम 11/8 टाइम्स होता है, एक बार कितना टाइम्स होता है 19/12 टाइम्स। तो हम प्रिंसिपल, देखो प्रिंसिपल हर जगह पे आपका सेम रहना चाहिए, तो प्रिंसिपल हम ऐसा ज्यूम कर लेते हैं जो 12 और 8 से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ताकि कैलकुलेशन हमारी आसान बने ना। तो 12 और 8 से कैंसिल होने वाला, तो 12 और 8 से कैंसिल होने वाला प्रिंसिपल कितना होता है 24। तो मैं मान लेता हूं कि प्रिंसिपल कितना है 24 है। अब देखो उसने कहा सम ऑफ मनी एट सिंपल बिकम 11/8, इसका 11/8 करेंगे तो 24 रुपीज, इसका 11/8 यहां पे लिख दूं मैं, 24 रुपीज का 11/8, तो कितना बन गया 33। प्रिंसिपल है 24 रुपीज और हमारा जो सम है वो 11/8 टाइम्स हो जाता है, तो इसका 11/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो 24 रुपीज हमारे 33 हो गए, कितने साल में, 7.5 साल में। दैट मीन्स हमें सिंपल डेस कितना मिला 9 रुपीज, तो 9 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिला ना। तो 9 रुपीज हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलता है कितने साल में, 7.5 ईयर्स में। पहली बात समझ में आ गई। देखो फ्रैक्शन में था ना, यहाँ 11/8 था, यहाँ 19/12 था, तो हमें प्रिंसिपल दोनों जगह पे सेम रखना है। तो प्रिंसिपल आप ऐसा, देखो प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को, दिमाग में डाल लेना, प्रिंसिपल कभी भी हमारा चेंज नहीं होता, प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। तो दोनों के लिए प्रिंसिपल सेम होना चाहिए था, तो मैंने 8 और 12 का एलसीएम ले लिया, कितना 24। तो 24 रुपीज पहली बार 11/8, तो कितना हो गया 33। तो 24 रुपीज 33 हुए, कितने साल में, 7.5 ईयर्स में। तो इंटरेस्ट कितना मिला 9 रुपीज, तो 9 रुपीज सिंपल मिला 7.5 ईयर्स में। अब देखो यहां पे, अब 24 कितना होता है 19/12, अब 24 को करना है 19/12। तो अब देखो 24 रुपीज, 12 3 जा, और ये हमारे पास 12 2 जा, और ये कितना हो जाएगा 38। तो 24 रुपीज 38 बन गए, ठीक है। तो इसका मतलब इंटरेस्ट आपको कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है 14 रुपीज। तो 9 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 7.5 साल में, तो 14 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट कितने में मिलेगा, 7.5 डिवाइड बाय 9 इंटू 14। इसका भी पॉइंट हटा देते हैं और नीचे एक 10 लगा लो, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 से काटेंगे 15, 3 से काटो, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इसको 2 से काट दो, तो 35/3 आ जाएगा। अब 35/3 कितना होता है, अब देखो 3 से काटेंगे तो 11 पे पूरा चला गया, और बचा हमारे पास 2/3। तो यहां पे 11 इयर्स हमारे कंप्लीट हो गए, 11 इयर्स क्या हो गए कंप्लीट। और 2/3 को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 12, तो 8 मंथ्स वो हो गए, तो आंसर बनेगा 11 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। ये हमारा पीओ के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, बात समझ रहे हो, यहां पे बस थोड़ा सा हमें दिमाग एक्स्ट्रा लगाना था, ठीक है। एक बार नोट कर लो, फिर से मैं आपको दोबारा समझाता हूं, क्योंकि मुझे पता भी आधे बच्चों को ये क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट वही है, कैलकुलेशन बस थोड़ी सी अलग है। यहां पे फ्रैक्शंस आ गए हैं, अभी हम जहां पीछे क्वेश्चन कर रहे थे वहां फ्रैक्शन नहीं थे। हाँ जी, मेन बात जो ध्यान रखने वाली है कि प्रिंसिपल वैल्यू, ये वाली वैल्यू कंपैरिजन करने के लिए, ये वाली वैल्यू दोनों जगह पे आपकी क्या रहनी चाहिए, सेम। तो सबसे पहले अब यहां देखो,
एक जगह पे 11/8 टाइम्स हो रहा है, एक जगह पे 19/12 टाइम्स हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 8 और 12 का एलसीएम कितना, 24। पहला काम ये ताकि हमारा फ्रैक्शन इजिली कैंसिल हो जाए, तो मैंने प्रिंसिपल अज्यूम कर लिया 24। अब यहाँ पे पहली बार 24 रुपीज होते हैं 11/8 टाइम्स, तो 24 × 11/8 तो हमारे पास कितना बन गया, 33। यहाँ पे हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 33 हो जाएगा ना। तो सबसे पहली बात कि 24 रुपये 33 रुपये हो गए, कितने साल में, 7.5 साल में। दैट मीन्स आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 9 रुपीज। तो 9 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 7.5 ईयर्स में। अब देखो दूसरा पार्ट, अब 24 रुपीज 19/12 हो जाते हैं, तो डेट मीन्स कितने हो गए, 38। तो 24 रुपये हमारे 78 रुपये बन गए, हमें बताना कितने साल में बने। तो आप देखो इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मिला 14 रुपीज। 9 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 7.5 साल में, तो 14 रुपीज 7.5/9 × 14। तो जब आप कैंसिल कर दोगे तो आपको ये मिलेगा 35/3। तो जब 35/3 आ गया, जब मैं कैंसिल करूंगा, 3 × 11 33 होता है, तो 11 वो हो गया, 2/3 और बच गया, तो 11 2/3 आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है, 11 ईयर्स तो हमारे पूरे हैं। 2/3 को मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए × 12, तो 3 4 12, 4 2 8, तो आंसर बनेगा 11 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। हाँ जी, अब बताइए सबको क्लियर हो गया, यस और नो लिख दो फटाफट। ये कंसेप्ट सबकी समझ में आ गया ना, कि इतने टाइम्स होते इतने साल में, तो इतने टाइम्स कितने साल में होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा यहां पे ये सिंपल इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट चलाना है। तो ये क्लियर है, तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, पिछला कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को, तो अब इस क्वेश्चन को बनाओ ध्यान से। लास्ट क्वेश्चन वाला कंसेप्ट जा चुका है, अब ये आपने सोचना है नए तरीके। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है ना, क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट में कोई ज्यादा ट्रिक्स वाली जरूरत ही नहीं है, आपको बस बेसिक बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए। तो उसी के बेस पे आपने क्वेश्चन बना देना है। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, अमित बोरोड मनी एट द रेट 4% पर एनम फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स, 8% पर एनम फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, 9% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स। इफ यू पे द टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹15,550 एट द एंड ऑफ 7 ईयर, देन फाइंड हाउ मच डिड ही बोरो। कितना आसान सा सवाल है, क्वेश्चन पढ़ने में लेंथी है लेकिन क्वेश्चन है बिल्कुल इजी। बना दीजिए फटाफट, क्वेश्चन की लेंथ को देख के उसके मुश्किल या आसान होने का अंदाजा नहीं लगाना होता, क्वेश्चन को पढ़ के जो आपको समझ में आता है उसके हिसाब से क्वेश्चन आसान और मुश्किल बनता है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया तो आसान, क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आया तो मुश्किल। चलिए बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले समझा करो कि दे क्या रखा है। अब उसने कहा कि अमित ने पहले बोरो किया 4% 3 साल के लिए। 4% अगर वो 3 साल के लिए लेगा, आप ये जानते हो, इस बात को सुन लो कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है, तो पहले साल अगर 4% है तो सेकंड ईयर भी तो 4% ही हुआ, तो थर्ड ईयर भी तो 4% हुआ, तो टोटल 3 साल में कितना हो गया, 12% नहीं हो गया। फर्स्ट ईयर अगर 4% है, सेकंड ईयर भी 4% है, थर्ड ईयर भी 4% है, तो टोटल 3 साल में कितना परसेंट हो गया, 12%। 8% फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, नेक्स्ट 2 ईयर में 8% है, तो कितना हो जाएगा, 16%। एंड द 9% फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर्स, 5 साल से जितना भी ऊपर जाओगे तो 9%। हम देखो कहां तक गए हैं, हमने कहां तक जाना है, 7 साल तक जाना है, तो 5 साल के बाद 7 साल तक, मतलब 2 साल, 5 ईयर्स के बाद 7 ईयर्स तक जाना है ना, तो 2 ईयर्स वो हो गए हमारे पास, तो 9% 2 ईयर्स के लिए, तो 18% वो आ गया। तो एडिशन कर लो कितना बन गया, 46% आपने टोटल इंटरेस्ट अर्न किया है, और टोटल इंटरेस्ट अर्न की वैल्यू आपको दे रखी है 19,550। दैट मीन्स 46% की वैल्यू हमें गिवन है 19,550, और हमें निकालना है कि कितना उसने बोरो किया, मतलब प्रिंसिपल निकालना है।
और प्रिंसिपल जो है ना वो हमेशा कितना होता है 100%। अगर परसेंटेज की टर्म्स में देखा जाएगा तो प्रिंसिपल हमेशा कितना होगा 100%। तो 46% इतना है तो 100% 19550 अपॉन 46 इंटू 100। अब कई बच्चों ने इतना बना भी लिया होगा लेकिन कैलकुलेशन करने में उनको दिक्कत आ रही होगी। यहां देखो, 2 से काटेंगे 23 आ गया, 2 से काटेंगे 50 आ गया। अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, 23 से ही काटना पड़ेगा आपको। तो 23 से काटेंगे, 23 एट जा हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 पे जाएगा और लास्ट में 0। 850 को 50 से करना है, 2 0 तो एज इट इज ही लगा दी, और 850 का हाफ हमारे पास ये कितना हो जाएगा 425। ठीक है, तो 4 2 5 00। हाँ जी, समझ में आ गई बात, क्वेश्चन कैसे करना है? क्लियर हुआ? यस और नो लिख दो। एग्जाम में देखो थोड़ी कैलकुलेशन है वो बढ़ाता है, हर बार आपको सिंपल कैलकुलेशन ही देगा, थोड़ी कैलकुलेशन तो आपकी वो इंक्रीज करेगा ही। मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूं। देखो, 7 साल का केस था, 7 साल का क्वेश्चन है हमारा, 4% पहले 3 साल के लिए, यहां पे लिख लेते हैं चलो, अगर नहीं आपको ऐसे क्लियर हो रहा तो 4% 3 साल के लिए तो कितना बनेगा 12%, फिर 8% 2 साल के लिए तो कितना बनेगा 16%, फिर 9% 5 साल से जितना भी ऊपर होगा, तो 5 साल से 2 साल ही ऊपर गए हैं तो 9% 2 साल के लिए तो कितना होगा 18%। दैट मीन टोटल इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया वो कितना है 46%। टोटल इंटरेस्ट अर्न किया 46%, और टोटल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको गिवन है 19550। तो 46% रिप्रेजेंट कर रहा है 19550 को। प्रिंसिपल निकालना है कितना बोरो किया, तो वो हमेशा 100% होता है, तो 100% 19550। यहां पे जो वैल्यू है वो आती है नीचे, और यहां वो जो वैल्यू हो जाती है मल्टीप्लाई में, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमें आंसर मिलेगा 42500। हाँ जी बताइए, अब क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने उसको ऐसे ही फॉलो करना है, ऐसे नहीं करना कि आप अलग अलग बनाने लग जाओ कि सिंपल इंटरेस्ट पहले प्रिंसिपल पे 4% 3 साल के लिए, प्लस फिर प्रिंसिपल पे 8% 2 साल के लिए, तो ये पूरा पूरा मत बनाने लग जाना। ठीक है, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, क्वेश्चन आ गया है हमारी स्क्रीन पे, आधी स्क्रीन तो हमारी क्वेश्चन से ही भर गई है। ठीक है, तो बनाओ, जरा पढ़ के बनाओ क्वेश्चन को आराम से, क्वेश्चन को पढ़ लो, खुद से इतना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ो क्वेश्चन को बनाओ। देखो, मैंने आपको समझाया था पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन की लेंथ पे डिपेंड नहीं करता कि क्वेश्चन आसान है या फिर मुश्किल है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या कंटेंट दे रखा है और आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। के लिए, ए बोरोज अ सम ऑफ ₹2000 फ्रॉम हिज फ्रेंड बी ऑन 31 दिसंबर 2011 ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिटर्न द सेम आफ्टर 1 ईयर एट द रेट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट लाके उसको वापस करेगा। हाउ आर ही गेट इन टू पोजिशन ऑफ रिटर्निंग द मनी ऑन 1 जुलाई 2012, वो पहले ही पोजीशन में आ गया देने के, सो फाइंड हाउ मच अमाउंट ही हैज टू रिटर्न टू बी, कितना उसको बी को रिटर्न करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट वो आपको बताना है। हाँ जी, बना दीजिए। वैसे तो इतना टाइम बहुत था, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लिया, पढ़ते ही अगर क्वेश्चन दिमाग में चला गया तो आपका आंसर 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। तो 1 2 3 4 और 5, 5 सेकंड खत्म हो गए हैं। देखो, यहां पे ₹2000 मैंने उधार लिए। ठीक है, आप ध्यान से सुनना कि हमें कितना काम करना था क्वेश्चन में। ₹2000 मैंने आपसे उधार लिए और मैंने आपको बोला कि मैं आपको 1 साल के बाद दे दूंगा ऑन द कंडीशन दैट ही विल रिटर्न द सेम आफ्टर 1 ईयर एट 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ₹2000 मैं आपसे उधार लेता हूं और मैंने आपको कहा कि मैं आपको 8% सिंपल इंटरेस्ट पे वापस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन 1 जुलाई 2012,
देखो, एक 31 दिसंबर 2011 को लिए थे, मतलब 1 जनवरी से अगर मैं लगाऊं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो मतलब मैंने 6 महीने ही आपका पैसा रखा अपने पास, तो 8% की जगह पे अब मुझे आपको सिर्फ कितना देना है, उसका हाफ ही तो देना है, 4%, तो 2,000 रुपये वो, और 2,000 रुपये के ऊपर 4% कितना हुआ, 80, तो मुझे आपको पैसा कितना देना है, 2,080। यही तो आंसर है। अरे बस वैसे ही क्वेश्चन आया था एग्जाम में, CHSL वाले एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था ये। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको लेंथी दे रखी थी, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। दोबारा समझ लो, 2,000 रुपये मैंने आपसे उधार लिए हैं, और किस रेट पे, 8% के रेट पे, कि 2,000 रुपये के ऊपर 8% 1 साल का दिया जाएगा, लेकिन मैं आपको पैसे वापस कर रहा हूँ 6 महीने के बाद ही, तो 6 महीने के बाद ही पैसे वापस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब रेट क्या हो जाएगा, मेरा हाफ हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा, सिर्फ 4%। और सिंपल इंटरेस्ट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट तो मिलना नहीं है कुछ, तो अगर पूरे साल का 8% है, तो 6 महीने का कितना होगा, 4% होगा, तो 2,000 रुपये तो ये हो गए जो आपको देने हैं, प्लस 2,000 का 4%, तो 80 रुपीज आपके ये हो गए, तो 2,000 प्लस 80 तो कितना हो जाएगा, 2,080। हाँ जी, समझ पाए सभी क्वेश्चन को, यस और नो मेंशन कर दो, यस और नो। बिल्कुल आसान था सवाल था, तो अगर आप इसको समझ गए हैं तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन करिए, मेरा दिल कर रहा था कि एक भोकाल क्वेश्चन आपको करवा दिया जाए, तो फिर इसलिए मैं एक भोकाल क्वेश्चन लेके आया हूं, तो बनाइए जरा इस क्वेश्चन को। हाँ जी, काफी सारे बच्चे वेट करते हैं कि कर सब सर जो है वो कब भोकाल वाला क्वेश्चन कराएंगे, तो बस उन्हीं के लिए लेके आया हूँ, बनाओ जरा, देखें क्या आंसर आता है। और ये बता दिया करो, भोकाल क्वेश्चन समझाने के बाद इजी हुआ कि नहीं हुआ, अभी जब तक मैंने नहीं समझाया तब तक तो ये भोकाल है, लेकिन जब मैं समझा दूंगा तो ये इजी हो जाएगा। चलिए बनाइए, जिस बच्चे ने पहले बना रखा होगा वो कोशिश करो, उनका आंसर आना चाहिए। अगर किसी ने भी ब्राइट की बुक के क्वेश्चन बनाए होंगे तो ये ब्राइट की बुक में सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 20 है ये। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बनाइए इसको। अब आंसर मत देखने लग जाना, मैंने बुक में क्वेश्चन नंबर बता दिया, कहीं बच्चों ने किताबें खोल ली हो, फटाफट उसमें देख के आंसर बता देंगे। हाँ जी, चलिए देखते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, विद द गिवन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, किसी सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे द रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। प्रिंसिपल और अमाउंट की आपको रेशियो बता रखी है कितनी है, 4:5, ठीक है, स्टार्टिंग में, आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे द रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट बिकम 5:7, 5:7 होता है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए अब यहां देखो, प्रिंसिपल और अमाउंट, पहले हमारे पास रेशियो कितनी थी, 4:5, अब वो कह रहा है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद रेशियो कितनी हो जाती है, 5:7। मैंने आपको एक बात बताई है, वो आपने दिमाग में अच्छे से डाल लेनी है, वो मैं दोबारा आपको बताता हूं कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है ना, वो हमारी कभी भी चेंज नहीं होती है, जो हमारा प्रिंसिपल वो हमारा कभी चेंज नहीं होता, लेकिन यहां तो प्रिंसिपल बदल गया, यहां पे तो प्रिंसिपल सेम नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस भी बच्चे को मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया और जिस भी बच्चे ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया मुझसे, वो जानता है कि अगर प्रिंसिपल यहां पे सेम नहीं है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। याद है मिल्क और वाटर वाले क्वेश्चन, मिल्क को सेम बनाते थे, तो प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता, तो प्रिंसिपल को सेम बना लो, तो इसको सेम बनाने के लिए ऊपर वाले को 5 से कर देंगे और नीचे वाले को 4 से कर देंगे, तो 5 4 20, 5 5 25, 4 5 20 और 4 7 28। तो अब देखो यहां पे, सुनो ध्यान से,
प्रिंसिपल हमारा सेम हो गया है। तो अब आप यहां पे देखो कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 3 साल बाद की वैल्यू है ना ये, आफ्टर 3 इयर्स, कि पहले 25 था, 3 साल बाद 28 हो गया, तो 3 रुपीज आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला। 3 रुपीज आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला कितने साल में, 3 साल में। तो फिर 1 साल में कितना मिलेगा, 1 रुपया। 25 से 28 हो गया तो 3 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला, कितने साल में मिला, 3 साल में। तो 1 साल में मिलता है 1 रुपया, और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने आपको सेकंड पॉइंट ये लिखवाया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर ही निकलता है। तो 1 रुपया मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और किसके ऊपर मिला, 20 के ऊपर इंटू 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 5%। हाँ जी बताइए, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, यस और नो में जवाब दे दो, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। जिन बच्चों को नहीं आया है वो एक बार दोबारा से समझेंगे ध्यान से, ठीक है, कि कंसेप्ट क्या फॉलो हुआ है वो हमें देखना है। ठीक है, देखो ये हमें गिवन था, पहले रेशियो थी प्रिंसिपल और अमाउंट की 4:5 थी, ये क्वेश्चन में दे रखा है। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद रेशियो 5:7 बन जाती है। एक बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि प्रिंसिपल की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो प्रिंसिपल की रेशियो में भी कभी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपका काम है प्रिंसिपल को सेम बनाना। तो प्रिंसिपल को सेम बनाने के लिए ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 5 4 20, 5 5 25, 4 5 20 और 4 7 28। तो जब प्रिंसिपल सेम बन गया तो मुझे पता चल गया अमाउंट में कितने का चेंज आ रहा है, कि पहले 25 था, अब कितना हो गया, 28। तो 25 से 28 कैसे हुआ, जब आपको 3 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिला होगा तभी तो हुआ होगा। तो वो 3 रुपये सिंपल इंटरेस्ट कितने साल में मिला है, 3 साल में। तो 3 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलता है 3 साल में, तो 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1 साल का। तो 1 साल का जब इंटरेस्ट आ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास 1 साल का इंटरेस्ट है तो उसको हम डिवाइड करते हैं किससे, प्रिंसिपल से। तो 1 रुपया सिंपल इंटरेस्ट मिला प्रिंसिपल 20 के ऊपर, तो 1 जो है वो 20 का कितना परसेंट है, 5%। हाँ जी समझ में आ रहा है। देखो मैं सारे वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्जाम्स वगैरह में आपसे पूछे जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के जो बिल्कुल चिंदी चोर वाले क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सिंपल वाले बच्चों वाले, वो वाले नहीं करवा रहा कि आपको प्रिंसिपल दे रखा हो, 5% रेट दे रखा हो, वो निकाल लो, तो वो वाले क्वेश्चन नहीं उठा रहा। एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है वो आपको करवाए जाएंगे। क्लियर है इतना? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी चलिए बनाइए एक और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सुंदर सवाल है ये, ठीक है, एग्जाम में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो बनाओ इसको। क्या दे रखा है देखो क्वेश्चन में, हमें अ पर्सन इन्वेस्टेड इन ऑल रुपीज 2600, 2600 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट है, सम पार्ट एट 4%, इसी में से कुछ पार्ट 4% पे दिया है, सम पार्ट एट 6%, कुछ पार्ट 6% पे दिया है, एंड सम पार्ट एट 8%, कुछ पार्ट 8% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया है। अब कह रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा सिर्फ, एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब साल के एंड में उसको सेम इंटरेस्ट मिलता है सभी केसेस में। फाइंड द मनी इन्वेस्टेड एट 4%, 4% रेट पे कितना मनी इन्वेस्ट किया है वो आपको निकालना है। चलिए बनाइए। हाँ जी क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 2600 रुपये एक टोटल है, उसमें से कुछ पार्ट 4% पे इन्वेस्ट किया गया है, कुछ पार्ट 6% पे किया गया और कुछ पार्ट 8% पे किया गया है। फिर लाइन ये थी एट द एंड ऑफ द ईयर है, एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट इन ऑल द 3 केसेस, मतलब साल के एंड में उसको जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो सभी केस में क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। फाइंड द मनी इन्वेस्टेड एट 4%, तो 4% पे उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको बताना है। हाँ जी चलिए देखते हैं कैसे करना क्वेश्चन हमने। देखो सेम सिंपल इंटरेस्ट, अगर सेम सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा होता है
अगर तीनों केस में हमें क्या मिल रहा है, सेम सिंपल्स मिल रहा है, तो प्रिंसिपल की रेशियो हमारी क्या बनती है? जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा होगा, जैसे दे रखा है 4%, यहाँ दे रखा है 6%, यहाँ कितना दे रखा है 8%, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है ही गॉट द सेम इंटरेस्ट इन ऑल द थ्री केसेस, तो यहाँ पे प्रिंसिपल की रेशियो बनेगी 1/4, 1/6 और 1/8। अगर सेम सिंपल इंटरेस्ट लिखा होता है ना, तो प्रिंसिपल का रेट के साथ जो रिलेशन है वो क्या हो जाता है? इनवर्स। ये अभी समझाऊंगा कि क्यों हो जाता है। अभी हमने डायरेक्ट करने का तरीका सीखना है पहले, कि क्वेश्चन में अगर आपको दे रखा हो कि सेम इंटरेस्ट मिल रहा है सभी केसेस में, तो यहां पे प्रिंसिपल का जो रेट के साथ रिलेशन है वो क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पे 1/4, 1/6, 1/8 एलसीएम लेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये कितना 3। तो रेशियो जो हमारी बनी ना, प्रिंसिपल की रेशियो क्या बनी? 6:4:3। तो 6+4 10+3 कितना हो गया 13। तो हम लिख देंगे 13 रेशियो की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 2600। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगा 200। अब हमें 4% वाला पार्ट निकालना है, तो मुझे बताओ इसमें 4% वाला पार्ट कौन सा है? 6 है कि 4 है कि 3 है? 4% वाला पार्ट कौन सा है? 6 है, 4 है या फिर 3 है? 4 मत कह देना, 4% वाला पार्ट तो इधर वाला है ना, तो 6 रेशियो में निकालना है। तो 1:1200, 1:200, तो 6 रेशियो कितना हो जाएगा 1200। अरे बात को समझ पाए या नहीं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमें? चलिए एक बार दोबारा मैं आपको समझाता हूं। देखो टोटल इन्वेस्टमेंट है 2600, कुछ पार्ट 4% पे है, कुछ पार्ट 6% पे है और कुछ पार्ट हमारा 8% पे है। अब वो कह रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर ही गॉट द सेम इंटरेस्ट इन ऑल द थ्री केसेस, मतलब साल के एंड में सभी में उसको सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, और हमें मनी इन्वेस्ट बतानी थी 4% वाली। तो अब देखो यहां पे ध्यान से, अगर हमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि सेम इंटरेस्ट मिलता है सभी केसेस में, अगर क्वेश्चन में ये दे रखा है कि सेम सिंपल इंटरेस्ट मिलता है सभी केसेस में, तो प्रिंसिपल और जो रेट का रिलेशन है ना वो क्या हो जाता है? इनवर्स। अगर हमें सेम सिंपल इंटरेस्ट मिलता है सभी केसेस में, तो प्रिंसिपल और रेट का रिलेशन क्या हो जाता है? इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे प्रिंसिपल 1, 2 और 3, फर्स्ट प्रिंसिपल रेट हमारे पास था 4%, तो रिलेशन इनवर्स, तो आप लिखोगे 1/4। यहाँ पे 6%, तो आप लिखोगे 1/6। यहाँ पे 8%, तो आप लिखोगे 1/8। तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया इनका 24, तो रेशियो बन गई 6:4:3। तो 6+4 10, 10+3 कितना हो गया 13। तो प्रिंसिपल्स का टोटल कर लिया 13 हो गया, तो 13 रेशियो की वैल्यू कितनी? 2600। तो 1:200, 4% वाला पार्ट ये वाला है, तो 6 रेशियो निकाल लिया, तो 6 रेशियो कितना आ गया 1200। अब मैं जानता हूँ, देखो बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि डायरेक्टली हमने इनको रिवर्स क्यों कर दिया। ठीक है, तो वो कंसेप्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखो, फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर यहाँ पे जो कुछ पार्ट हमने 4% पे लिया है, फर्स्ट प्रिंसिपल के ऊपर 4% रेट पे एक साल में कुछ इंटरेस्ट मिला होगा। सेकंड प्रिंसिपल के ऊपर 6% रेट पे एक साल में कुछ इंटरेस्ट मिला होगा, और थर्ड प्रिंसिपल के ऊपर 8% रेट पे एक साल में कुछ हमें इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, और तीनों केसेस में जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है? इक्वल है। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के, इस वाले पार्ट के क्या है? इक्वल है साल के एंड में। ठीक है, अब यहां देखो 100 से 100 कट जाएगा, तो यहां पे मेरे पास हुआ 4P1 इज इक्वल टू 6P2 इज इक्वल टू 8P3। 4P1 इज इक्वल टू 6P2 इज इक्वल टू 8P3। और हम क्या करते हैं, बचपन से हमने सीखा है कि हम इसको किसी एक के कॉन्स्टेंट वैल्यू के इक्वल रख लेते हैं। तो अगर मैं इसको किसी एक के कॉन्स्टेंट वैल्यू के इक्वल रखता हूं, तो जैसे 4P1 इज इक्वल टू के आया, तो P1 की वैल्यू बनेगी K/4, P2 की वैल्यू बनेगी K/6 और P3 की वैल्यू बनेगी K/8। तो K तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 3 की रेशियो 1/4, 1/6 और 1/8। तो
तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको ये देखा होना कि सेम सिंपल्टस मिलता है आपको हर साल नहीं, साल के एंड में अगर सेम सिंपल्टस आपको मिल रहा है तो प्रिंसिपल और रेट में कौन सा रिलेशन हो जाता है? इनवर्स। ठीक है, तो वो हमने यहां से समझ लिया कि इनवर्स क्यों हो जाता है। हाँ जी, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर है यहां तक? इसी में एक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको और समझाना है, वो देख लो। पहले बताओ ये सारा पार्ट आपको क्लियर हो गया है? लिख लिया सभी ने, नोट कर लिया? सेम सिंपल्टस अगर मुझे मिलेगा तो प्रिंसिपल और रेट में कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स। तो 4% तो 1/4, 1/6, 1/8 इस रेशियो के अंदर पैसा डिवाइड कर देंगे। और ऐसा क्यों किया वो मैंने यहां पे समझा दिया कि तीनों केस में सिंपल्टस हमने क्या लिख लिया? इक्वल। तो P1, P2 और P3 की हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे वो सेम सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे ना, सिर्फ सेम इंटरेस्ट की जगह पे यहां पे लिखा होगा सेम अमाउंट। सेम इंटरेस्ट की जगह पे क्या लिखा होगा? सेम अमाउंट लिखा होगा। तो प्रिंसिपल का इनवर्स रिलेशन हो जाता है उसके अमाउंट के साथ। तो प्रिंसिपल का इनवर्स रिलेशन हो जाएगा उसके अमाउंट के साथ। अब अमाउंट कैसे बनता है, इसको हटाई देते हैं। अब अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो होता है हमेशा 100% और पहला इंटरेस्ट उठा रहा हूं मैं 4%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 104% हो जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है? अमाउंट कैसे बनता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अगर 100% है, फर्स्ट इंटरेस्ट 4% है, तो ये कितना हो जाएगा? 104%। तो अगर क्वेश्चन में हमें सेम इंटरेस्ट की जगह पे, ये क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में, सेम इंटरेस्ट की जगह पे अगर सेम अमाउंट आएगा तो आपने क्या करना है? 1/104 रेशियो 1/106 रेशियो 1/108, तो इस रेशियो में पैसा डिवाइड होगा अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो। ठीक है, तो वहां पे वैल्यूज कुछ ऐसी बनेंगी जो थोड़ी इजी वैल्यूज बनेंगी और जो आपका सॉल्व हो जाएगा इजिली थोड़ा सा। यहां पे तो मैंने इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता दिया कि अगर सेम इंटरेस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा? सेम अमाउंट। तो प्रिंसिपल का अमाउंट के साथ इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल 1, 2 और 3 की रेशियो 1/104, 1/106 और 1/108। क्योंकि यहां पे देखो, जब मैं ऐसे लिखूंगा ना, अमाउंट हमारा कैसे बनता है सिंपल्टस में? प्रिंसिपल प्लस पी इंटू 4 × 1/100। तो यहां पे हमारे पास देखो 100p + 4p, तो ये हो जाएगा 104/100p। ठीक है, तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे वहां पे इक्वल टू के पुट करेंगे, तो जब मैं इसको इक्वल टू के पुट करूंगा तो के की वैल्यू यहां पे हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा ना, K × 100/104। हाँ जी, बात समझ में आ गई? तो यहां पे जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी? रिवर्स। 100 तो सबका कॉमन रहेगा ना वहां पे, तो 100 तो कैंसिल ही हो जाना, उसको तो हटा ही दो। 100 तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा ना सबका, तो K/104 रह जाएगा बस। हाँ जी, बात समझ में आ गई? तो आपने बस इतना ही याद रखना है कि अगर तो सेम इंटरेस्ट लिखा होगा तो प्रिंसिपल का इन्वर्स रिलेशन रेट के साथ, और अगर सेम अमाउंट लिखा होगा तो प्रिंसिपल का इन्वर्स रिलेशन अमाउंट के साथ। ये आपने याद रखना है एग्जाम के अंदर। क्लियर है इतना पार्ट सभी को सिंपल्टस का? तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो ये सारा आप लोगों ने पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना है। अब बाकी कंसेप्ट हम लेके आएंगे सिंपल्टस की आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट को भी इतना सिंपल अब मत समझना, जो भी समझ रहा था ना कि बिल्कुल ही सिंपल होगा, तो वो नहीं है। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जितने भी है ना एग्जाम के, वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। तो बाकी अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।